आज हम अपने टॉपिक शिक्षा के अभिकरण यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जिस टॉपिक पर जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण यानी कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों के अर्थ के बारे में यानी कि मीनिंग ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। हम जानेंगे निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसके साथ ही हम जानेंगे निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की सीमाओं के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरण यानी कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को यदि सरलतम शब्दों में परिभाषित करें तो शिक्षा के वे माध्यम, साधन या संसाधन या अभिकरण जो निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। लेकिन शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों के बारे में बहुत ज्यादा जानने से पहले आवश्यक हो जाता है यह जानना कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से बच्चे, युवा और प्रौढ़ हैं जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते या औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। औपचारिक शिक्षा न ले पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपने परिवार के लिए आजीविका अर्न करने में यदि बच्चे को समय देना पड़ता है तो वह रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाता। होटल्स में, लोगों के घरों में काम करते हुए कई ऐसे नौनिहालों को आप देख सकते हैं जो स्कूल से वंचित हैं। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते रहते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे भी औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कई बच्चों के घर के आसपास स्कूल, कॉलेजेस आदि न होने के कारण भी इच्छित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे मैं जहाँ जॉब करती हूँ, यहाँ हायर एजुकेशन में अगर मैं कहूँ तो 30 किलोमीटर की परिधि में भी विज्ञान विषयों की कक्षाएं संचालित नहीं होती, जिसके कारण कई छात्र न चाहते हुए भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और कुछ ड्रॉप आउट कर लेते हैं पढ़ाई से। समाज में बहुत से प्रौढ़ ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश पहले फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए और अब उनकी एज इतनी हो गई है कि वे रेगुलर क्लासरूम में नहीं जा सकते। कई ऐसे युवा हैं जो जॉब करते हैं और किसी भी डिग्री के लिए फॉर्मल एजुकेशन की बाउंड्रीज को या बाउंडेशंस को फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसे ही बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए जो किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा से यानी कि फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था है निरौपचारिक शिक्षा। अतः कहा जा सकता है कि निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के सापेक्ष शिक्षा की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके द्वारा ऐसे बच्चे, ऐसे युवा और ऐसे प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करते हैं जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हों। निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति नियंत्रण नहीं होता, यह स्थान की पाबंदियों से मुक्त होती है। यानी कि जिस तरह औपचारिक शिक्षा नियत स्थानों में ही ले सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आदि में, इस तरह की बाध्यता निरौपचारिक शिक्षा में नहीं होती। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी पढ़ सकता है। निरौपचारिक शिक्षा निश्चित समय की बाध्यता से भी मुक्त होती है। औपचारिक शिक्षा में हर एक्टिविटी समय से बंधी होती है। स्कूल लगने का ड्यूरेशन या 6 से 7 घंटा फिक्स होता है। हर क्लास निश्चित समयावधि की होती है, एग्जाम कब होने हैं ये फिक्स होता है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में बालक अपने समय के अकॉर्डिंग पढ़ता है और एग्जाम क्लियर करने के लिए उसे औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक अटेम्प्ट और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। निरौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अपने समय, सहूलियत और गति से शिक्षा प्राप्त करता है। जब भी उसको समय मिलता है, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है और उसको कोई प्रेशर नहीं होता है टीचर के साथ कोर्स में आगे बढ़ने का। इस तरह का कोई प्रेशर व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, व्यक्ति अपनी गति से शिक्षा प्राप्त करता है। निरौपचारिक शिक्षा को परिभाषित करते हुए जे मोहंते कहते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसी तरह से
कुंडू भी निरौपचारिक शिक्षा के बारे में कहते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा नियोजित होती है परंतु पूर्णतः विद्यालयी नहीं। यह शिक्षा विद्यालय के बाहर योजनाबद्ध किंतु औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती। यानी कि निरौपचारिक शिक्षा का नियोजन तो होता है लेकिन इस पर विद्यालय जैसी पाबंदियां नहीं होती। यह विद्यालय जैसे योजनाबद्ध तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के सापेक्ष शिक्षा की ऐसी नियोजित वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके द्वारा उन बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा न ले पाए हों। निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति नियंत्रण नहीं होता। इसमें न तो विद्यालय यानी कि स्थान की बाध्यता होती है और न ही निश्चित समय की बाध्यता होती है। इसमें शिक्षक की गति के साथ कोर्स को पढ़ने की विवशता भी नहीं होती और न ही इसमें परीक्षा जैसे विषयों पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति अपने समय और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपनी गति से शिक्षा प्राप्त करता हुआ चला जाता है। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों की, यानी कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की। पहले भी इसे स्पष्ट किया गया है कि वे शैक्षिक अभिकरण जो लोगों के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं या निरौपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करते हैं, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। किसी भी कारण से औपचारिक पाठ्यक्रम न पढ़ सकने वाले बच्चों, युवाओं और निरक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए शिक्षा की वैकल्पिक सुविधा निरौपचारिक शिक्षा को जो साधन या संसाधन सुनिश्चित करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। इन अभिकरणों एवं इन संसाधनों का प्रयोग करके ही शिक्षा ग्रहण करने वाला अपनी सहूलियत के अनुसार मन वांछित स्थान व समय में अपनी गति से पढ़ते हैं। और बहुत सरलतम शब्दों में कहें तो जिन अभिकरणों या संसाधनों के माध्यम से निरौपचारिक शिक्षा ग्रहण की जाती है, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण या नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। बात करते हैं निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के उदाहरणों की, तो भारत में ओपन यूनिवर्सिटीज, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स आदि समाज के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। 1989 में स्थापित नेशनल ओपन स्कूल NOS, जिसे वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान भी कहते हैं, वर्तमान में फाउंडेशन कोर्सेज, सेकेंडरी एजुकेशन कोर्सेज, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स, ओपन वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम, बेसिक एजुकेशन फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन आदि कोर्सेज के माध्यम से जनता के लिए निरौपचारिक शिक्षा सुनिश्चित कर रहा है। निरौपचारिक शिक्षा के लिए निर्मित तमाम सेंटर्स में आयोजित काउंसलिंग सेशंस, किताबें, बुक्स यानी कि CD, रिकॉर्ड्स आदि भी शिक्षार्थियों तक नॉन फॉर्मल एजुकेशन को पहुंचाते हैं। अतः ऊपर वर्णित ये तमाम उदाहरण, जिसमें हमने ओपन यूनिवर्सिटीज की बात कही थी, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स, काउंसलिंग क्लासेस, बुक्स, CD, रिकॉर्ड्स आदि पर चर्चा की थी, ये सारे के सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसलिए ये साधन या ये संसाधन निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। अब चर्चा आती है शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों की विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता है कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, टीचिंग मेथड्स आदि फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज की भांति पूर्व निर्धारित व नियोजित होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है कि इन अभिकरणों में ना तो स्थान की बाध्यता होती है ना समय की बाध्यता होती है, इसलिए इन साधनों से आप कहीं भी और कभी भी शिक्षा ले सकते हैं। इन अभिकरणों की तीसरी विशेषता है कि क्योंकि ये फिक्स समय में कोर्स कंप्लीट करने के बंधन से भी मुक्त हैं, इसलिए व्यक्ति अपनी सहूलियत और गति से इनका प्रयोग कर शिक्षा ग्रहण करता है। इन अभिकरणों की चौथी विशेषता है
कि ये अभिकरण उन तमाम व्यक्तियों की शिक्षा निश्चित करते हैं जो किसी न किसी कारण से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए या फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह गए। निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की कुछ सीमाएं भी हैं और अब हम चर्चा करते हैं उन लिमिटेशंस की जिनके अंदर ये निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरण बंधे हुए होते हैं। इसकी पहली जो लिमिटेशन है इन अभिकरणों की वो ये है कि ये अभिकरण बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन अभिकरणों द्वारा शिक्षा लेने के लिए शिक्षार्थी को स्वतः एफर्ट देना पड़ता है, स्वयं पढ़ना पड़ता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए ये अभिकरण उचित नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे बिना रेगुलर हेल्प के नहीं पढ़ पाते। इन अभिकरणों की दूसरी लिमिटेशन है, चूंकि इन अभिकरणों द्वारा पढ़ने में शिक्षक से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, तो छात्र शीघ्रता से अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते। जैसे यदि पढ़ने के लिए आपके पास रिकॉर्डेड सीडी है, आप उसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं, तब तक अचानक किसी शब्द के उच्चारण को आप नहीं समझ पाए तो तुरंत किससे पूछोगे। फॉर्मल एजुकेशन में आपके लिए मदद हमेशा तैयार रहती है शिक्षक के रूप में। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की अगली लिमिटेशन है कि इन अभिकरणों से व्यक्ति को केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जो फॉर्मल एजुकेशन में उपलब्ध होते हैं। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों की अगली सीमा है, लिमिटेशन है, वो ये है कि ये शैक्षिक अभिकरण बालक के मानसिक शारीरिक चारित्रिक विकास करने में प्रभावी नहीं होते, यानी कि ये बालक का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ नहीं होते। एक और समस्या इन अभिकरणों के साथ आती है कि चूंकि इन अभिकरणों से छात्र स्वेच्छा से व स्वप्रेरणा से ही सीखता है, इसलिए कभी कभी छात्र इन्हें सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इन तमाम लिमिटेशंस के बाद भी, सीमाओं के बाद भी, बाध्यताओं के बाद भी, सबसे बड़ा एडवांटेज नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का यह है कि ये उन लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाते हैं जो कभी किसी कारण से फॉर्मल एजुकेशन से, औपचारिक शिक्षा से, रेगुलर शिक्षा से वंचित रह गए हों। आज का यह लेक्चर था हमारा नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पर, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण। उम्मीद है शिक्षा शास्त्र और शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी होगा। धन्यवाद।